रेलवे संपत्ति चोरी प्रकरण में कार्यवाही करते हुए रेलवे पुलिस बल ने चोरी के दो मुख्य संलग्नाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों आरोपी विगत दिनों न्यू बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के पास से 108 किलो वजनी करीब 33,000 रुपए की कीमत के वायर चोरी प्रकरण में मुख्य आरोपी है। आरपीएफ थाना प्रभारी सावित्री सेनी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश पुत्र छित्तर काठात निवासी सेंदरिया ब्यावर तथा किशन सिंह पुत्र मोहन सिंह रावत निवासी चतरपुरा पुलिस थाना बदनौर शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि विगत दिनों चोरी प्रकरण को लेकर किए जा रहे अनुसंधान के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर शुक्रवार को उपनिरीक्षक नरेश कुमार मय स्टाफ के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद दो युवकों को पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की ओर से बताए गए हुलिये के आधार पर पकड़ लिया। स्वतंत्र गवाह के अभाव में दोनों आरोपियों को आरपीएफ थाने लाकर स्टाफ को गवाह मुकर्रर कर पूछताछ की गई। दोनों ने अपने पहचान बताते हुए न्यू बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के पास चोरी का वारदात को अंजाम देना कबूल करना और इस दौरान मौके से फरार होना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अजमेर स्थित रेलवे न्यायालय में पेश किया है। ओएच की चोरी होने पर हमारे दो स्टाफ को रात्रि के समय तैनात किया गया था, कांस्टेबल माधव सिंह और कांस्टेबल मदन लाल दोनों के द्वारा रात्रि के समय चोरी करते हुए चार व्यक्तियों को देखा। मौके से उनको पकड़ने पर दो आरोपी मौके से फरार हो गए, उसमें दो की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है, भरत और दिनेश कुमार। उसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर कल दिनांक 1/2/2024 को भरत के द्वारा बताए गए व्यक्तियों को प्रकाश जो सेंदरिया का रहने वाला है ब्यावर, और दूसरा है अपना किशन सिंह जो छतरपुरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उनको बस स्टैंड के से पकड़ा और बस स्टैंड से पकड़कर मौके में अपने प्रकरण में शामिल किया गया, जिससे पूर्व जो चोरी की हुई वायर को तस्दीक कराई गई, जिन्होंने तस्दीक करी बताया गया है कि ये चोरी हमारे द्वारा ही की गई थी, परंतु हम मौके से फरार हो गए। प्रकरण में शामिल किया गया उक्त दोनों को ही आज श्रीमान जी के समक्ष रेलवे कोर्ट अजमेर में पेश किया जाएगा। उक्त चारों आरोपियों द्वारा पहले भी छोटी मोटी और या सिविल में भी चोरी की करने के वारदात को स्वीकार किया गया है। ये अपने मतलब आयतन अपराधी है।